हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, काफ़ी समय हो गया है, मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई हूँ, इसलिए मैं आज वीडियो डाल रही हूँ। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है क्लास 8 का, वो चल रहा है लेसन 12 और प्रकाश। ठीक है, तो और आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो बताने वाले हैं कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। जो ये कांच का प्रिज्म है, ये हमने कांच का प्रिज्म लेते हैं, अगर आपके स्कूल में प्रिज्म हो तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। कांच का प्रिज्म होता है जब उस पर हम सफ़ेद श्वेत प्रकाश किरण डालते हैं। श्वेत प्रकाश किरण, जैसे कि सनलाइट होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, अगर हम वो डालते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त हो जाता है? वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। और कौन कौन से होते हैं ये? नीचे से हम लेंगे, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। इसको याद रखने का एक तरीका होता है जो कि मैं आपको बताऊँगी कि कैसे इनको याद रखा जा सकता है। ठीक है, जो यह सफ़ेद प्रकाश होता है जो कि ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसको बोलते हैं बच्चों प्रकाश का विक्षेपण। क्या बोलते हैं? प्रकाश का विक्षेपण, मतलब प्रकाश का टूटना। ठीक है, और जो ये हमें रंग प्राप्त होते हैं 7 रंग, इनको बोला जाता है वर्ण क्रम। क्या बोलते हैं? वर्ण क्रम। तो इन वर्ण क्रम को कि किस क्रम में ये हमारे जो कलर होते हैं, रंग होते हैं, दिखाई देते हैं, इसको याद करने की जो शॉर्टकट ट्रिक है वो मैं आपको बता देती हूँ। इंग्लिश में जो होता है बच्चों, मैं इंग्लिश का बताती हूँ कि क्या बोलते हैं इनको। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, बैंगनी है वॉयलेट, जामुनी है इंडिगो, नीला है ब्लू, हरा है ग्रीन, पीला है येलो, नारंगी है ऑरेंज और लाल है रेड। मतलब बच्चों, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो इन दोनों ही को हम कैसे याद रख सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगी, कि जो वर्ण क्रम है, स्पेक्ट्रम है, उसके कलर्स को हम कैसे याद रख सकते हैं। देखिए, तो इसके लिए है यह शॉर्ट ट्रिक विबग्योर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं विबग्योर, एक वर्ड होता है, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। ठीक है, और हिंदी में इसको याद करने का तरीका है बै नी आ है पी ना ला। जब हम छोटे थे बच्चों, तो हमारे जो टीचर थे, हमारे टीचर ने बताया था ये शॉर्ट ट्रिक, और अब मैं आपको बता रही हूँ कि हमने तो पहले हिंदी में ही याद किया था, क्योंकि हम भी हिंदी मीडियम के यूपी बोर्ड के पढ़े हुए हैं। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बै नी आ है पी ना ला, बहुत ईजी है। बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ठीक है, तो ये जो सफ़ेद प्रकाश किरण का 7 रंगों में टूटना होता है, इसको बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण, और उनको बोलते हैं वर्णक्रम। तो ठीक है, आप मुझे उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हाँ बच्चों, ये आप एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हैं, आपकी घड़ी होती है या कोई और कांच का शीशा होता है, तो आप उससे अगर आप धूप को पहुँचाएंगे बाहर, मतलब करेंगे, तो उसमें आप जो है प्रकाश का परिवर्तन करेंगे, तो वो जो है 7 रंग ही दिखाता है। ठीक है, आप ये करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और मज़ा भी आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप अपनी वीडियो देखते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। सो कीप वॉचिंग द वीडियोज़। थैंक यू, बाय।